नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के सिरुंज में एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले बाप ने अपनी ही नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की की मां को आरोपी की अपने साथ रखता है, साथ ही मां की गैर मौजूदगी में आरोपी विष्णु शर्मा द्वारा नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। छेड़छाड़ से परेशान पीड़ित ने डायल 100 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को थाने लेकर के गई, जहां पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विष्णु शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ पर रहती हो? अलीगढ़। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है कल? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कार्यक्रम में गई थी। जी, कहाँ पर गई थी? मैं अशोकनगर से आगे गई थी। अच्छा, फिर कैसे सूचना मिली आपको? सुबह पापा ने मोबाइल लगाया था, इस वजह से पुलिस को सूचना मिली। क्या क्या बताया पापा ने? पापा ने बताया कि अल्लाह उसके पापा ने जबरदस्ती करी है। जी, अच्छा। सूचना मिली थी, मैं तो वहाँ से चली आई। अच्छा, तो मैं आने में लेट हो गई, इसलिए मैं लेट हो गई। पापा रिपोर्ट दर्ज करती है। अच्छा, थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। क्या नाम है उसका जो जिसने कोशिश करी है? अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, वो बच्ची के शरीर में चोटें वगैरह तो नहीं आए कुछ निशान चोटें वगैरह? जी, मैंने देखा नहीं है सर। अच्छा, मेडिकल हुआ है ना? मेडिकल में कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, मेडिकल तो हुआ है लेकिन मैंने देखा नहीं है। अच्छा, कितने वर्ष की है बच्ची? 13 वर्ष की। क्या मामला है आज? जी, ये एक नाबालिग बच्ची है 14 साल की। ये अलीगंज पहाड़ की रहने वाली है, सिरोंज में। तो इसने आज बताया है कि इसका सौतेला पिता है जो इसके साथ में आज छेड़छाड़ की घटना की है, जिसकी रिपोर्ट पर छेड़छाड़ का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम क्या है? विष्णु शर्मा, जो बच्ची का सौतेला पिता है। कहाँ का रहने वाला है? अलीगंज पहाड़, सिरोंज का। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।